Wait, Justice. We want justice. Justice. Go to the top. Hush now. Hamara determination. Hamara determination. Hamara. हाल ही में बहुत सारे जम्मू कश्मीर युवाओं को अपनी अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। उसका कारण क्या था? उसका कारण SRO 24 इनका कॉन्ट्रैक्ट था। इनको ऐसा कहा गया था कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ही आपको रखना है, और जब इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ इनको निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि जब भी ये लोग आगे की तरफ आ जाते हैं कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं। इस वक्त हम ठीक मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं और इस वक्त बच्चे यहाँ पर धरने पे बैठ चुके हैं। आखिर क्या कारण हुआ जो इनको धरने पे बैठना पड़ा, ये इन्हीं से जानेंगे क्या वजह रही। सर आपका नाम? कैसर अहमद मल्ला। सर आज आप धरने पे बैठेंगे, क्या कारण है इसका? सर एक्चुअली ये जो हम SRO 24 एम्प्लॉयज है GMC डोडा के, हम लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे GMC डोडा में अंडर SRO 24। जब SRO की एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि आपकी जो जॉब है वो पहले जो आपका ये कंट्रेक्चुअल जॉब थी उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 6 साल का होगा। उसमें पहले आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन 1 ईयर एट अ टाइम, यानी कि एक एक साल का आपका एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी थी कि अगर कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जाना चाहता है, अगर उसकी जॉब लगी है SRO 24 में किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो जॉब छोड़ने से पहले उस कैंडिडेट ने पहले डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि रिजाइग्नेशन से 1 मंथ पहले उसने इन्फॉर्म करना है कि मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, तब उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा गया था कि अगर हम किसी कैंडिडेट को टर्मिनेट करेंगे या अगर हम किसी को टर्मिनेट करेंगे, किसी को निकाल देंगे जॉब से, उनको हम 1 मंथ पहले नोटिस भेजेंगे पहले, यानी कि विदाउट एनी प्रियर नोटिस हम किसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 1 साल ख़त्म हो गया तो इन्होंने हमें दिलासा दिया, हमें ऐसे झूठे वादे किए हमारे साथ कि आपकी जॉब कंटिन्यू की जाएगी। तो उस मतलब गलत फहमी में हम मेहनत करते रहे, हम दिन रात काम करते रहे, हमने अपना पसीना बहाया, GMC की दीवारें खड़ी कर दी हमने, इन GMC डोडा को हमने GMC का स्टेटस दिलाया, MCI की इंस्पेक्शन हो गई, तब हम मतलब जितने भी स्टाफ थे SRO में लगे थे, हमने साथ में रह के GMC डोडा को GMC का स्टेटस दिलाया। तो अब 1 साल का पीरियड ख़त्म हो गया, इन्होंने जब कोविड आया इधर मार्च में तो इन्होंने कोविड में हमें मिसयूज़ किया। इनको लग रहा था कि जैसे डोडा में कोविड आउटब्रेक हो सकता है, इनको लगा था डोडा में कोविड आउटब्रेक हो सकता है, तो उस डर की वजह से इन्होंने हमें कंटिन्यू किया, हमें इन्होंने मिसयूज़ किया। अगर इन्होंने हमें टर्मिनेट करना था तो इन्होंने हमें 1 साल के बाद ही टर्मिनेट क्यों नहीं किया, इन्होंने हमें 2 महीने का एक्सटेंशन दिया। 2 महीने का कोई एक्सटेंशन ही नहीं होता है, एक्सटेंशन तो 1 साल का होता है जैसे SRO 24 के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था। तो 2 महीने का कौन सा एक्सटेंशन हुआ? और अगर आपने हमें निकालना था, हम 3 बजे वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे थे, 3 बजे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि अब आपकी नौकरी नहीं है, ये हमारी बेइज्जती हुई, ये इलीगल था, अनफेयर था। और इसके खिलाफ अगर हमारी जो GMC के प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने हमारी जॉब के लिए, अपनी GMC के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हाँ उनको ऊपर से ही ऑर्डर्स आए थे कि ये जो स्टाफ है वहाँ पे SRO में लगे हैं इनको टर्मिनेट करना था। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि अगर इन्होंने हमें टर्मिनेट करना था, दिन के 3 बजे इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर ऑर्डर भेजा, अगर इन्होंने टर्मिनेट करना ही था तो हमें 1 मंथ 2 दिन, अगर 1 मंथ ही छोड़ो, 15 दिन छोड़ो, 10 दिन छोड़ो, कम से कम 3 दिन पहले, 2 दिन पहले इन्होंने हमें इन्फॉर्म करना था कि 2 दिन के बाद आप टर्मिनेट होने वाले हो। हम वार्ड्स में काम कर रहे थे, वहाँ पे हमारे कुलीग्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी बेइज्जती हो गई, ना तो हम इधर किसी को मुँह दिखाने लायक रह गए और ना तो हम बाहर किसी को मुँह दिखाने लायक रह गए। 3 बजे दिन के 3 बजे हम वार्ड्स में थे, काम कर रहे थे, इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिजिग्नेशन भेजा। ये कौन सा तरीका है? अगर इन्होंने रिजिग्नेशन देना, टर्मिनेशन निकालना ही था तो इन्होंने फॉर्मली लेटर, इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया, वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डालनी थी, व्हाट्सएप पे कौन सा टर्मिनेशन निकाला इन्होंने, ये कौन सा? इसके बाद हम प्रिंसिपल सर के पास गए थे, उन्होंने बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, हम इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमारा उतना फाइनेंशियल बजट है नहीं, अगर और कामों के लिए आपके पास बजट है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसके लिए आपके पास बजट क्यों नहीं है? पहले इनको लगा था कि डोडा में कोविड आउटब्रेक होने वाला है, तो उसके लिए इन्होंने हमें मिसयूज़ किया। जब इनको बाद में पता चला, यहाँ इन्होंने सब कुछ सील कर दिया, कोविड का कोई केस आया नहीं, इनको लगा कि अब हमें इनकी ज़रूरत है नहीं, इन्होंने हमें विदाउट एनी प्रेयर नोटिस टर्मिनेट कर दिया, जो कि इलीगल है। इसके लिए हमने श्रीनगर हाई कोर्ट में
इस केस दर्ज किया है और उसकी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गवर्नर के खिलाफ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर इन्होंने हमें टर्मिनेट करना था तो हमें एक मंथ पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले कोई नोटिस क्यों नहीं मिली? व्हाट्सएप पे हमें कौन सा टर्मिनेशन दिया इन्होंने, वो भी दिन के 3 बजे। क्या करना चाहेंगे? हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमने 1 साल यहाँ पे काम किया है, हमने GMC की दीवारें खड़े कर दी है, GMC डोडा को या जितने भी नए GMC है इनको GMC का स्टेटस दिलवाया है, हम क्वालिफाइड लोग हैं, हमने बड़ी बड़ी जो भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है वहाँ से हमने डिग्रीज लाई है, तो हमें आप ऐसे बेइज्जती करके निकाल रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो लीगल डिमांड्स है, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि SRO की तरफ देखा जाए, हमारी जो हम इस टाइम मिड सीजन में हमें ये निकाल रहे हैं तो इस टाइम हम कहाँ पे जाएंगे। और हमारी ये भी हम गवर्नर साहब से पूछना चाहते हैं, GMC श्रीनगर और GMC जम्मू में पिछले 10 साल से कंट्रेक्चुअल मुलाजिम काम कर रहे हैं, अगर आपने इधर परमानेंट स्टाफ लाया तो आप में इतना दम होना चाहिए, आप GMC श्रीनगर और GMC जम्मू में परमानेंट स्टाफ ले आओ, हम वहाँ ही अप्लाई करेंगे, हमें इधर एक्सटेंशन नहीं चाहिए। आप GMC जम्मू और GMC श्रीनगर में परमानेंट पोस्ट निकालो, वहाँ पे जो कंट्रेक्चुअल है उनको निकाल दो, वहाँ पे परमानेंट पोस्ट बहुत सारी खाली है, उनको वैकेंसीज पड़ी है उधर, वो वैकेंसीज के लिए आप पोस्ट निकालो, हम वहाँ अप्लाई करेंगे, हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, हमें आपकी बीक नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस यही हमारी डिमांड है और हमारी रिक्वेस्ट है। टेक्नीशियन जिनको टर्मिनेट किया गया, और जबकि SRO 24 के रूल्स में टर्मिनेशन के रूल ये है कि 1 मंथ प्रेयर नोटिस दिया जाए, बट हमारा क्या हुआ कि हमें टर्मिनेशन हुआ और 2 दिन पहले हुआ था, जबकि हमें काम के दौरान पता चला, इवन कि 12 को टर्मिनेशन हुआ था, 12 से हमें काम पे नहीं आना था, लेकिन हम क्या थे, 12 को भी ड्यूटी पे थे और 13 को भी ड्यूटी पे थे। हमारा जो रूल है SRO का, अगर 1 मंथ प्रेयर नोटिस है वो क्यों नहीं मिला? और अगर यहाँ पे ये वैकेंसीज भी है, MCI की जो रूल्स है उसमें ये है कि स्टाफ नर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है न्यू GMCs में वो 175 है, जबकि GMC डोडा में ऑनली 100 नर्सेज है, वो कैसे एक GMC चला सकते हैं? अगर वैकेंसी इतनी सारी है, 75 वैकेंसीज है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम 40 नर्सेज को? तो हमारी यही डिमांड है LG साहब से, अटल डोलू जी से, कि हमें टर्मिनेशन रिवोक किया जाए ताकि हम भी इस कोविड में काम कर सके। और हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी है उनसे हमारी ये मतलब उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप में इतना दम है, आपने इन GMCs में परमानेंट स्टाफ लाया, आप में इतना दम होना चाहिए GMC श्रीनगर वहाँ पे जहाँ पे 10 साल से कंट्रेक्चुअल मुलाजिम काम कर रहे हैं वहाँ पे परमानेंट स्टाफ, वहाँ पे पोस्ट्स निकालो, वहाँ पे जो कंट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं उनको निकाल दो, वहाँ पे परमानेंट पोस्ट्स क्रिएट करो, हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और उनमें इतना दम होना चाहिए कि अगर वो यहाँ निकाल सकते हैं, उनमें इतना दम है नहीं कि वो GMC जम्मू और GMC श्रीनगर में जो कंट्रेक्चुअल मुलाजिम है उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे, उनको निकाल दे, उनमें उतना दम है नहीं। अगर उनके पास उनके लिए बजट है, हमारे लिए क्यों नहीं है? स्टाफ नर्सेज जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं आपके गेट पे, तो उनका क्या मुतालबा है? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल हमने, चूँकि अभी हमें SSRB से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं आए थे, तो हमने SRO 24 में कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स की थी नर्सिस की, काम शुरू करने के लिए मेडिकल कॉलेज का। तो SRO 24 या कंट्रेक्चुअल जो है ये टेम्परेरी होती हैं और टेन्योर बेस्ड होती हैं, और ये उस आर्डर में हमने लिखा था कि जब तक हमारे पास कंफर्म्ड या जो गवर्नमेंट से आती है SSRB से सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद उनकी टर्मिनेशन हो जाएगी। उसी बेसिस पे अब हमारे पास SSRB से सारी नर्सों की परसों लिस्ट आ गई, ठीक है, और उस बेसिस के बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं था इनको रखने का। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज डोडा में पिछले 2 महीने से हमने इनको इन एडिशन रखा, बाकी तमाम मेडिकल कॉलेज में कठुआ, रजौरी, अनंतनाग, बारामूला, उन्होंने उसी दिन निकाल दिए थे जब SSRB की उनको लिस्ट पहुँची थी। अब हमें चूँकि डोडा में टाइम लग जाता है लोगों को यहाँ आके ज्वाइन करने में, इसलिए हमें कोई 1.5 महीने लगा, और उनको हमने उसी दिन बता दिया था क्योंकि हमें उस दिन भी आर्डर थे इनको निकाल दीजिए, मगर चूँकि जब हमारे 3 दिन पहले हमें सारे कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन भी आ गई, ज्वाइन भी किया लोगों ने, और हमने इनको तो इंटरप्रेट कर रहा था। सर, इसमें कुछ बाहर से भी लोग हैं, उनने भी ज्वाइन किया था श्रीनगर से या ऐसे भी कोई? नहीं, जो भी सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट उसमें बाहर के भी थे, लोकल भी थे, ज़्यादा तकरीबन बाहर के थे, उनने ज्वाइन किया था, मगर उनको
तो इट वाज अ टेंपरेरी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट, इट वाज नॉट अ परमानेंट अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट जो है जो रिटायर्ड पर्सन है उनको भी दोबारा से रीजॉइन करा रही है, तो अगर उनको रीजॉइन करा रही है तो इन स्टाफ को क्यों निकाला जा रहा है? नो, उनको उन्हीं जगह रिजॉइन कराए जहाँ पर जगह पोस्ट हो, तनख्वाह भी तो देनी होती है ना, खाली रिजॉइन थोड़ी करता है। जहाँ जहाँ पोस्टें खाली होंगी वहाँ वो फिल कर रहे हैं, और उसका प्रॉपर तरीका होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, फिर इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद होती है। सर ये ओपीडी इनके भी जम्मू में भी तो उन्होंने किया है, इनको क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट की है नर्सेज की, ये जा सकते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कि हमने COVID-19 में भी काम किया, इतने महामारी में काम किया है तो हमें उसमें भी देवे, उसके लिए तनख्वाह मिलती थी उनको, काम करते थे, हम भी तो काम कर रहे हैं। मेरे को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है कि आप घर बैठो, और मैं तो रोज हॉस्पिटल अभी सुबह 3 घंटे हॉस्पिटल में लगा गया। सर बच्चों का ये भी कहना है कि ओल्ड एज को ला रहे हैं, और जो ओल्ड एज को किसी को नहीं ला रहे, हमने किसी को नहीं लाया, किसी को नहीं ला रहा है। अच्छा सर ये जो आप ओपीडी की डिमांड बहुत है डोडा में, तो क्या है उसका पर्पस? इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टिव आया था कुछ दिन पहले कि आप अपने इलाके के हिसाब से अपनी ओपीडी शुरू कर सकते हो, ओपीडी सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा, इसेंशियल सर्विसेज का आया था। तो उसमें हमने उसी दिन तुरंत हमने डीसी साहब को चिट्ठी लिखी कि क्योंकि ये जो प्रेरोगेटिव है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये मेडिकल कॉलेज का या हॉस्पिटल का अपना प्रेरोगेटिव नहीं, हम अपने आप भी नहीं करते, क्योंकि जो दफ़ा 144 लगा है या जो लॉकडाउन हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, और उसको वही रिवर्स भी कर सकते। अभी हमें 2 दिन पहले डीसी साहब का ये इसको सुपरिटेंडेंट को मैसेज आ गया कि आप लोग अब कर सकते हैं, और हम आपको वेन्यू कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं। तो हमने आज सुबह में 11:30 बजे तक वहाँ पर सारा सेट करके आगे अब हम सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर सामान शिफ्ट हो जाएगा और परसों इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मगर इसमें मुझे ये बताना है आप लोगों के माध्यम से लोगों को कि जैसे आगे पीछे आप लोग आते थे हॉस्पिटल पे, वैसे हॉस्पिटल में रश नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ से अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे टेस्ट पॉजिटिव जो हैं, इसमें फास्ट नेगेटिव की गुंजाइश 30% के करीब है। इसका मतलब है कि हम अभी भी रिस्क पे हैं, और हमें जो डायरेक्टिव है इसके SOPs हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, उनके हिसाब से मिनिमम लोगों को इकट्ठे होना है, डिस्टेंस रखना है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक अटेंडेंट होना चाहिए पेशेंट के साथ, उसके साथ ज़्यादा आदमी भी नहीं होने चाहिए, और सब पहले लोगों की स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम उनको एक एक दो दो करके अंदर छोड़ देंगे। तो इस पर हमने ये किया कि कम्युनिटी सेंटर जो अस्पताल के साथ में ही है वहाँ पर हम मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स जैसे बच्चों के डॉक्टर, और ENT, आई और डेंटल के OPD में शुरू कर रहे हैं। गायनी OPD हमने कोई 10 दिन पहले से मेन हॉस्पिटल में शुरू कर दिया है, वहीं पर अंदर अलहदा करके, क्योंकि जनाना तकालीफ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो मेक शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंसल्टेंट की उनकी जो HOD गायनी की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने को उनको उधर ही कर दिया है। इम्यूनाइजेशन हमने बिल्कुल बंद नहीं की थी, हमने एक वार्ड में इम्यूनाइजेशन भी जारी रखी थी, और इम्यूनाइजेशन के लिए भी लोग अभी इंडोर में ही जाएंगे। OPD बिल्डिंग चूँकि हमने कोविड बिल्डिंग बना के रखी है, इसलिए वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी जब तक कि ये कोविड का हमें डायरेक्टिव है।